हमें भैया रुपया नहीं चाहिए। भैया मारना हो तो मार डालो। सीतापुर लखीमपुर यही रोड गई है? सीतापुर यही रोड गई है। हाँ हम लोग ले चलो सीतापुर। पैसा वैसा तुम दे नहीं है ना? का है ऐसा ही बैठ ले चल दे। नहीं का है? कई रुपया ले भैया? कई रुपया तुम दे भैया? 50 रुपया। अच्छा बस और करते ले भैया 50 रुपये में आजकल का होता है? हाँ अच्छा बैठो आओ। बैग रख लो नीचे आराम से। और तो कुछ ना है? हाँ नहीं पीछे रख दो का दिक्कत। अब हम आ रहा गाड़ी पकड़ा। अच्छा कौन सी गाड़ी? कोई मिल जाए गाड़ी। फिलहाल तो हमारी गाड़ी चिल्ला रही, कह रही भैया सीट बेल्ट लगवा लो। हाँ सीट बेल्ट? हाँ हाँ तो वो लगा लीजिए और फिर शुरू करते हैं अपना सुहाना सफर। समझ रहे हो? और ये मौसम हंसी है ना? मौसम ऐसे कुछ हंसी है नहीं, सुबह हंसी था फिर धूप हो गया तो गाना तो ये वाला मैच कहीं हो नहीं रहा सब मिला के बाद। अरे भैया थे कुछ बोलते ही नहीं तो हम क्या किसी को बैठा ले जो हमारे साथ बात वत करते चल चले है ना? सही पकड़े हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? राजेश। राजेश कहाँ यहीं रहते हैं? लखनऊ? मैं सीतापुर। अच्छा सीतापुर ही रहते हैं? अब वहीं तक जाएंगे भी तो पैसा देंगे खाली 50 रुपये। अरे कुछ 5,000-50,000 देते तो एक बार ठीक भी था। अरे वो भी 50 ना देना, तुम हमसे ले लेना 50,000 ठीक ना? 50,000 तुम हमसे लेना, आराम से जो है घर जाना ठीक। क्या काम करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी? अरे छोटा हाथी डाला जो कुछ मिल जाए शायद। तो सत्तारी है? बिल्कुल सत्तारी। सत्तारी घर से आई भाई करे रहा ना गाड़ी के चक्कर में। तो तुम ये वाली मेरी वाली भी चला लोगे? जानकारी फिर सब होगी। हिम्मत ज्यादा जानकारी ना है, जगह झूठ का है कहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जानकारी जैसे चलाना है कानवाई गाड़ी लाना है बस। तो मान लो कि ये तो मैं बहुत स्पीड में लेके चलता हूँ तो हार्ट वोट के मरीज तो नहीं है आप है ना? बिल्कुल शुद्ध स्वस्थ है ना? स्वस्थ है ना? ऐसा ना हो कि तेज हुई और आप जो है सांसें ऊपर नीचे करने लगे। तुम चाहे पूरी स्पीड चला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। चलिए हाँ तो और बताइए कुछ अपने बारे में। और क्या बताइए भैया? कुछ बताइए, कुछ सुनिए, कुछ सुनाइए तभी तो रास्ता कटेगा। तो आप कौन छोटा हाथी चला रहे थे? नहीं छोटा हाथी बताओ ना एक ड्राइवर तो है आया रहा घर से बिठौली मुतर में बात करें तो कह रहा भैया कंपनी से मालूम कर लिया रुपया। अच्छा क्या करें जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ रहा है। कानून खाते हैं? हाँ ये कर लो पहले। आप नहीं खाएंगे? खा लीजिए। अरे भैया थूकना पड़ेगा फिर में फायदा क्या है? गाड़ी में चीटें पड़ेंगी। बात तो सही, उस हिसाब से खाइए कि थूकना न पड़े। खाई के पान बनारस वाला बड़ी खोपड़ी में टेंशन है। टेंशन अब इसको खाएंगे तो थोड़ा सर दर्द कम होगा। अच्छा पान खाए सर दर्द कम होगा? थोड़ा सा ये जो है दिमाग को हिलाएगा वो टेंशन है वो थोड़ी देर के लिए भूलेंगे। क्या ही बताया जाए। अब बढ़िया अब बात करने में मजा भी आएगा ना। हाँ
इतना कमाल लेते हैं आप भाई जा खा पी का 15-16 हजार 15-16 हजार बन जाता। अच्छा जैसे कोई काम करो ज्यादा बच जाए तो नहीं ठीक बच जाए ज्यादा बच जाए कमो बच्ची कहो धंधा कराओ। हाँ हाँ धंधा करना भैया भैया कुछ नुकसान होते हैं कुछ फायदे होते नहीं नहीं धंधा ही करना जैसे हम ही मिल गए हम तो ढूंढ रहे तो कोई आप जैसा मिल जाए तो हमारे साथ थोड़ा काम कर ले। अच्छा तो बढ़िया फायदा हो उसका 15 हजार में क्या होता है आज के दिन हो तो कुछ नहीं है भाई चांद जैसे घर के घर हम 100-150 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम क्या बताएं कल शाम को जो है दुर्घटना हो गई हमारे साथ। oh, no. अपना काम ही ऐसा है अब क्या बताएं पकड़ लिया क्या शाम को दो नंबर लड़ाई कहा क्या किया अगर दो नंबर का है तो क्या हुआ काम है ना काम काम होता है दो नंबर हो एक नंबर हो 25 लाख रुपए बताइए पकड़ लिया गया। क्या बोला तूने माल के साथ हम भी पकड़ लिए गए समझ रहे हो ना तो रात भर हमको बैठाए थे भैया ले जाकर थाने में सुबह छोड़े हमारे ऊपर भी दबाव है अब जान पहचान है तो आपको तो छोड़ देंगे हम मगर अपनी जगह किसी और को ला के हमको दे देंगे ठीक ना। अब 25 लाख के सामान में ये 2-3 लाख का वापस कर दें कैंटीन लेके जाओ कुछ लेके आओ उसको दे देना अपना समर्पण कर देगा कर देगा हमारा है सब कह रहे थे चलिए ठीक है अब कोई अपना जानने वाला तो करेगा ही नहीं नहीं हम सोचे कोई मिल जाए तो अपना काम हो जाए भैया पैसा ज्यादा लालच करी तो आप कर दीजिए खत्म। नहीं भैया हमें नहीं लाना चाहिए बीवी बच्चे वाले हैं अकेले तो है नहीं बात तो सही है अरे कुछ होगा थोड़े ना अरे आपके साथ खड़े ऐसे हाथ में लग फोटो खींचा जाएगा ये पकड़े गए दो दिन में हम छुड़वा लाएंगे ना नहीं भैया तो पैसे देंगे वो अलग अब हमको नाम से बहुत टेंशन नहीं ना अब सुबह से तो दारू पी रहे टेंशन इतनी तो आगे दो नंबर वाला रुक सकता हूँ भैया हमको अपनी जान तो प्यारी है ना अब राजेश चले ना तो जबरदस्ती लगा चलते हैं आगे ही है था ना साथ आपको जो है पकड़वा दिया जाएगा क्या किया जाए हमारा भी आगे मजबूती तो हमको पकड़वाओगे मजबूरी और जरूरी भी है ना फोन उनके क्या करो फोन उन ना करो फोन उन करो समझो तुमको जो है इस चीज का पैसा दिया जाएगा साइड में है गाड़ी रोको साइड में रोक लो साइड में पहले पहले भैया समझा दिए हम तुमको हम हकीकत बात बता रहे हैं हम ना दो दो नंबर वाला करते हैं ना चोरी चकाड़ी वाला करते हैं ठीक ये बड़ी अच्छी बात कही आपने आपको इसका पैसा भी दिया जाए नहीं भैया हमें पैसा नहीं 2 दिन में छुड़वा लेंगे भैया हमें पैसा मजबूर है हमारे 2 लड़की है
हम बस इतने ही भरोसा करो, हम छुड़वा लेंगे, हमको छुड़वा समझो, हमें माफ करो। सुनो, रुक जाओ भैया, बैठे रहो बैठे रहो, हम देखो तुम्हारी कोई किसी को हम नहीं बताएंगे, ठीक है? कोई चीज हो तो अब तो बता भी दो, भैया मारना हो तो मार डालो, मारेंगे नहीं, बस खाली सरेंडर करना। नहीं नहीं, हम क्यों जाएं, खाली हम लोग बच जाएंगे भैया, आप बच जाओगे लेकिन हम तो बच जाएंगे, तुमको ठीक ठाक रुपया दे दिया जाएगा। नहीं, हमें भैया रुपया नहीं चाहिए। हम बोलते रहे, बोलने कौन डायरेक्टर है। अच्छा रुको, अच्छा रुको 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 ओह नो, रुको रुको, गलत गलत वाला काम नहीं हम करते हैं। अच्छा तो चाबी छोड़ो, चाबी छोड़ दो, चाबी चाबी छोड़ देंगे, पहले गेट खोलो, छोड़ो गेट खोलो, सुन लो सुन लो, पहले भैया हम सुन लिया है, बात तो सुन, बात तो सुन लो, मारना हो तो मार डालो। ये देखो भैया, भैया सुनो सुनो, ये देखो ये लगा है कैमरा, कैमरा लगा हुआ, सुन लो सुन लो, पहले सुन लो, सुन लीजिए, ये लगा है कैमरा, हम लोग करते हैं मजाक। कैसा लगा मेरा मजाक? कैसे जो लोग अनजान गाड़ी में बैठ जाते हैं, हम लोग यूट्यूबर है, यूट्यूब से आप वो आप अपने फोन में खोलो यूट्यूब और डालो हम लोग का नाम, आएगा चैनल, ठीक है? ऐसे जो लोग अनजान गाड़ी में बैठ जाते हैं, हम वो वाले हिम्मत वाले हैं, पहाड़न पर जाए थे, जान हथेली पे लग के गए थे भाई, लग रहा था, लग रहा था आपको देख के, लग रहा था, लग रहा था, इसीलिए हम लोग ने सोचा कि आवाज किसी बढ़िया जाबाज आदमी को बैठाते हैं, देखते हैं, वो दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ, नमक है, अरे हम देखे उससे नहीं, मतलब नमक वो जो है ना, बात करते समय हम जान कर बहुत आवाज, ड्राइवर अबे इसको थूको यार, हम लोगों को समझाते हैं कि मसाला रखा होता है। एक तो आप ड्राइवर, ड्राइवर जब आप कहे हैं ना तभी हम जान गए हैं कि आप इतना डरे वरेंगे नहीं, बाकी ऐसे तो लोग रोने लगते हैं, हम रोने वाले ना हैं, लेकिन हम पहले देखो भैया हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और बहुत कुछ। भैया अपने तरफ से कुछ मैसेज दे दीजिए, उधर उधर कैमरे में देख के बता दीजिए, अपने हिसाब से कुछ मैसेज दे दीजिए, आपके साथ जो हादसा तो हुआ है, नहीं आपके साथ जो हादसा हुआ उससे आपको सीख क्या मिली, मतलब सबक क्या मिला? अरे सीख, अनजान गाड़ी में बैठना मत, यही सीख मिलती है, किसी भी अनजान गाड़ी में अनजान व्यक्ति के साथ ऐसे बंद गाड़ी में ना बैठे, सही पकड़े हैं, बंद गाड़ी में बिल्कुल ना बैठे। पहले हम अपना ये वाला काम खत्म कर लें भैया, इसमें आप देख के बोल दो कि वो आगे से ऐसे अनजान गाड़ी में कोई ना बैठे, मैं भी नहीं बैठूंगा, और इन लोग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बोल दीजिए। अरे हम भैया पढ़े लिखे ना अपने, अरे तो जो मैं बोल रहा हूँ आप रिपीट कर बोल ना, आप भैया इसी किसी अनजान गाड़ी में ना बैठे, और भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें, भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद धन्यवाद।